यहाँ टीवी पे जो आपको राइट साइड में प्लाई लगाया उस पर हम राफ्टर लगाने वाले हैं। टीवी नेट पूरा कंप्लीट कैसे बनेगा, क्या क्या लगेगा अभी इसमें सब दिखाने वाला वीडियो में। बाकी का तो इतना बन गया है, बाकी का प्लाई के नीचे जो हमने पाइप डाल रखा है वायरिंग का, जो भी सिस्टम है अंदर अंदर से आने वाला है। और ये जो राफ्टर दिख रहा है यहाँ पर लगाने वाले अभी हम, खाली जगह जो दिख रहा है प्लाई यहाँ पर। ऐसे लगेगा, जितना प्लाई है उतना हम पैकिंग करने वाले हैं पूरा राफ्टर से। बाकी जगह पे लेमिनेट लगा हुआ है। ये राफ्टर का कीमत बहुत ही महंगा रहता है, लेकिन ये देखो ये क्या पे लगाया है फेविकोल से, क्या चीज से चपका है इसका फेविकोल भी अलग रहता है। ये वाली फेविकोल रहते हैं नॉर्मल लेमिनेट चपका नहीं, तो हम लोग कैरी बैग में आते हैं वो वाला यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा महंगा वाला है। ये रहा, ये फेविकोल थोड़ा महंगा है, इसका पकड़ थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसको लगा के यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे कीला मार के रखते हैं, क्योंकि वो अच्छे से सेट हो जाए फेविकोल। यहाँ पे तो टेप लगाने का जगह नहीं है, तो इसके वजह से कीला मारना पड़ता है। ये तो लेमिनेट लगाते हैं तो लेमिनेट पे कुछ वजन रख के टेप लगा देते हैं। यहाँ पे दो लग गया अभी, और ये तीसरा भी लग गया है। देखो इसका लुक दिखाने वाला हूँ अभी कैसा दिखेगा। ऊपर जो लाइट, ऊपर लाइट लगाने वाला अभी, ये छोटे छोटे लाइट है ऊपर लगाने का। ये पीओपी की सेलिंग में है टीवी के ऊपर। ये 3 वाट का लाइट है, बस ये 100 पीस के लिए रहते हैं, लाइट ज़्यादा आता नहीं इसका, नाइट लैंप में यूज हो सकता है। लाइट लग गया अभी तीनों, 3 लाइट कंप्लीट। अब आगे का वीडियो पूरा फाइनल होने के बाद मैं दिखाता हूँ कैसा दिखेगा ये। ये देखो ऊपर का लाइट लग गया, वो 3 अच्छा दिख रहा है ऊपर का लाइट भी, और नाइट में ही दिखता है ज़्यादा, ऐसे तो डे में पता नहीं चलता है। टीवी यूनिट के पीछे भी एलईडी स्ट्रिप है, उसका भी पता नहीं चल रहा है, ये सब नाइट में थोड़ा दिखता है।